संजय जायसवाल जी कुछ जगह पाने के लिए व्याकुल हैं, तो हम लोग की शुभकामना है पाले कहे का पर। नमस्कार, अनिश फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि गणतंत्र दिवस है आज और पूरा देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। उसी कार्यक्रम को लेकर आज जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहुंचे थे जनता दल यूनाइटेड के पार्टी कार्यालय में, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा झंडा तोलन किया गया। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार को लेकर हमला कर रही है, जनता दल यूनाइटेड को लेकर हमला कर रही है, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से लगातार जो है वो नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कल ट्वीट किया, और भारतीय जनता पार्टी भी उसी सवाल को लगातार उठा रही है। यह सवाल आज संजय जायसवाल ने जिस तरीके से उठाया, तो ये सवाल ललन सिंह से पूछा गया, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी के अंदर भीतरी घमासान मचा हुआ है। ऐसे में ललन सिंह से यह सवाल था, संजय जायसवाल जिस तरीके से कह रहे हैं तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? ललन सिंह ने सीधे तौर पर संजय जायसवाल को लेकर सीधा खुलासा किया है। कहा जाए कि संजय जायसवाल अपनी पार्टी में कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरीके के बयान लगातार दे रहे हैं। और जो उपेंद्र कुशवाहा के सवाल पर लगातार पूछा जाता रहा कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं उसको लेकर ललन सिंह ने चुप्पी साध ली। हालांकि उमेश कुशवाहा ने जमकर जो है उपेंद्र कुशवाहा पर अपना भड़ास निकाला है, कई तरह की बातें भी उन्होंने कही। सीधे तौर पर जिस तरीके से पार्टी में सदस्यता अभियान चल रहा, तो सदस्यता अभियान के जो पर्ची है वो भी उपेंद्र कुशवाहा जो पार्टी के ओर से ले गए, उसके बावजूद वो पर्ची तक अभी जमा नहीं किए। ये बड़ा आरोप जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर लगाया प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से लगातार इस सवाल पूछा जाता रहा, लेकिन उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन संजय जायसवाल को लेकर उन्होंने सीधा कहा है कि संजय जायसवाल कुछ जगह पाना चाहते हैं, इसीलिए वो इस तरीके से कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, पहले सुनवाते हैं इस बयान को। संजय जायसवाल जी कुछ जगह पाने के लिए व्याकुल हैं, तो हम लोग की शुभकामना है पाले कहे का परेशान है। लेकिन बीजेपी कह रही उपेंद्र कुशवाहा आते हैं तो स्वागत है, क्या कहेंगे? स्वागत कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा का भाजपा के जो नेता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने आपसी समाज में हर तबके के साथ न्याय करने का, अरे नीचे कीजिए ना भाई, जो संकल्प लिया था वो संकल्प कायम रहे और बिहार में जो शांति सद्भाव कायम है वो कायम रहे, बिहार का विकास विकसित प्रदेश बनाने का जो लक्ष्य लेके माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं वो पूरा हो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और उसमें संपूर्ण बिहार वासियों का सहयोग मिले गणतंत्र दिवस के अवसर पर। यही सरस्वती पूजा है, सरस्वती पूजा तो होता ही है, हर साल होता है, और उस विद्यार्थियों लोगों का पूजा है मुख्य तौर पर। पार्टी में हक की बात कर रहे हैं, गणतंत्र झंडा बात कर रहे हैं और आप अपना हक की बात। सर सर सर, संजय जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार जो है। सुना आपने किस तरीके से ललन सिंह ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करते हुए, और साथ ही साथ संजय जायसवाल को लेकर सीधा हमला उन्होंने किया है। संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और लगातार जो बयानबाजियों का सिलसिला चल रहा है, तो उपेंद्र कुशवाहा के सवालों को लेकर भी वो लगातार पूछ रहे हैं। और ऐसे में अब ललन सिंह जो कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधा हमला किया है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल के ऊपर। उनको ऊपर सीधा आरोप ये लगाया है कि वो पार्टी में कुछ जगह पाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि वो बयान हमने आपको सुनवाया है कि किस तरीके से ललन सिंह जो है वो प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के संजय जायसवाल हैं उनके ऊपर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और भी अपडेट्स देंगे हम इस फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।